स्वागत है आपका हमारे चैनल ESA चेयर मैन्युफैक्चरर में। तो आज जो है हम जो नीचे एक चेयर के पार्ट के बारे में बताएंगे, जो चेयर के नीचे लगता है टिल्ट प्लेट कह देते हैं, तो वो कितने टाइप की होती है? मोस्टली 4-5 टाइप की होती है, तो वो हम देखते हैं कि मतलब कैसी होती है टिल्ट प्लेट। तो सबसे पहले इस चेयर की बात करते हैं। इसमें जो लगा हुआ है टिल्टिंग प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, टिल्टिंग प्लेट कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जैसे हम चेयर लीन करते हैं ना, रिक्लाइन करते हैं, तो रिक्लाइन करते हुए देख रहे होंगे ये जो सीट वाला पोर्शन है ये भी ऊपर आ रहा है, जितनी बैक पीछे जा रही है उतना ये आ रहा है। तो बेसिकली जो सीट और बैक में है 90 डिग्री का जो है एंगल मेंटेन है, जितना अभी एंगल है उतना, जैसे अभी एंगल है लीन करने के बाद भी उतना एंगल है, तो मतलब सीट बैक पूरी अटैच्ड है। तो मैं पुश कर रहा हूँ तो सीट भी उठ रही है और बैक भी पीछे जा रही है, मतलब बैक पीछे जाएगी तो सीट उतनी उठेगी, यानी 1 डिग्री अगर ये उठ रहा है तो 1 डिग्री ये बैक भी पीछे जा रही है। तो ये है, तो ये होता है टिल्टिंग प्लेट, वो कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है टिल्टिंग प्लेट, ठीक है जी। मैं इस चेयर में दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये लगी है टिल्टिंग प्लेट, ठीक है, जूम कर देना हल्का। तो इस चेयर में ये टिल्टिंग प्लेट लगा हुआ है, नीचे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का क्या काम होता है वो यहाँ पे आई लिंक आ रहा होगा वो देख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग बेसिकली सब में मिल जाता है। अब इस चेयर में क्या है, इस चेयर में पुशबैक लगा हुआ है, इसको इसमें जो प्लेट लगती है उसको क्या कहते हैं हम, पुशबैक। इस वाले की जो थी टिल्टिंग प्लेट थी, पुशबैक कैसा होता है, इसमें बेसिकली दो लीवर होते हैं, एक ये एंड एक ये किस लिए होता है, हाइड्रोलिक के लिए, और ये क्या होता है आपका सीट और बैक को लॉक करने के लिए, बैक को जो है लॉक करने के लिए। अभी लीन होएगी, अभी लीन होएगी और अंदर कर देंगे तो लीन नहीं होएगी, तो ये इसलिए होता है। और उसमें क्या था, एक ही लीवर था, एक ही लीवर से अंदर बाहर करने से वो लॉक हो जाती थी। एक बार ये बता देता हूँ, मैं भूल गया था बताना। तो इसमें क्या, यही लीवर है, इसको मैंने अगर अंदर पुश कर दिया तो अब ये लीन नहीं होएगी, इसको मैं बाहर कर दूंगा तो अब ये लीन होगी, रिक्लाइन होगी। तो ये था, इसमें क्या दो अलग अलग लीवर मिल जाते हैं, और उसमें 90 डिग्री मेंटेन था ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, अगर मैं लीवर बाहर कर दिया ये वाला दूसरे वाला, तो अब क्या है, ये जो सीट, ये मेरे पाँव देखिए, ये सीट को देखिए मेनली, ये सीट क्या है अपना उसी मतलब फ्लैट है बिल्कुल, बट बैक क्या है हमारा लीन हो रहा है, रिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है पुशबैक। पुशबैक में क्या होता है, सीट उसी पोजीशन पर रहता है, मतलब फ्लैट रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, बट हमारी बैक जो है लीन होती है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, उसमें क्या था, एंगल मेंटेन था, इसमें क्या है एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, ये पुशबैक सिस्टम है। इसको दिखा देता हूँ मैं कैसा दिखता है, इधर से दिखा, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें जो है स्प्रिंग पीछे की तरफ लगा हुआ होता है, ठीक है, इसमें स्प्रिंग पीछे की तरफ लगा होता है। स्प्रिंग का क्या फंक्शन होता है वो मैंने बताया, आप आई लिंक में देख सकते हैं। तो ये दो लीवर है, एक हाइड्रोलिक के लिए और ये आपका लॉक या अनलॉक करने, ठीक है। ये हमारा पुशबैक हो गया। अब एक और मैकेनिज्म जो है वो मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं सिंक्रोनस मैकेनिज्म। सिंक्रोनस क्या होता है भाई, सिंक्रोनस देख लेते हैं क्या होता है। इस चेयर में जो लगा हुआ है अभी सिंक्रोनस मैकेनिज्म लगा हुआ है, तो सिंक्रोनस क्या होता है, साइड व्यू देखते हैं अपना। तो अब मैं जैसे चेयर को पुश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, अभी फ्लैट है, अभी मैंने किया तो ये सीट भी उठ रही है और बैक भी जा रही है, बट यहाँ पे क्या है, सीट और बैक सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है कि सीट अगर 1 डिग्री उठ रही है तो बैक 2 डिग्री पीछे जाएगी, यानी 1:2 का रेशियो होता है। मैंने लीन किया तो सीट उठी लेकिन हल्की बैक ज़्यादा रही, ठीक है, 1:2 का रेशियो होता है। तो ये होता है सिंक्रोनस मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें जो लगा हुआ है सिंक्रोनस प्लेट लगी हुई है, सिंक्रोनाइज प्लेट लगी हुई है, उसको देख लेते हैं कैसी होती है। और हाँ, इसमें भी एक ही लीवर होता है लॉक या अनलॉक करने के लिए। इसको मैंने अंदर कर दिया तो अब लॉक हो गया, अब पीछे नहीं जाएगी बैक। इसको मैंने बाहर कर दिया तो अनलॉक हो गया, बट अनलॉक होने के बाद पीछे जा रही है बैक, तो सीट और बैक सिंक्रोनाइज में है, 1:2 का रेशियो है, 1 डिग्री उठ रही है तो ये 2 डिग्री पीछे जा रही है, दैट इज सिंक्रोनस मैकेनिज्म। ये दिखता कैसे है, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें भी स्प्रिंग आगे होता है, ठीक है, और ये हमारा लीवर है, अंदर बाहर करने से लॉक अनलॉक होती है, और ये ऐसे करने से हाइड्रोलिक ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये वाला लीवर तो लगभग सब में सेम होता है। तो ये हो गया हमारा सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म, ठीक है। टिल्ट प्लेट देखने को मिल सकती है, उसकी मैं फोटोज डाल देता हूँ, बट मोस्टली जो है 90% प्लस जो है इन्हीं, जो मैंने मैकेनिज्म बताया इन्हीं में से कोई लगता है, ठीक है, बट एक दो और हो सकते हैं तो मैं उनकी फोटो डाल देता हूँ। तो अब बात करते हैं हम एक इन्हीं मैकेनिज्म में एक फीचर ऐड हो जाता है, इन्हीं टिल्ट प्लेट में एक मैकेनिज्म जो है एक फीचर ऐड हो जाता है, वो क्या होता है, दैट इज एनी टाइम लॉकिंग फीचर, एनी टाइम एनी वेयर लॉकिंग कह सकते हैं, एनी टाइम कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो वो कुछ इस टाइप का होता है कि उसमें ना, जैसे आप चाह रहे हो, अभी क्या है
हम जैसे ही पाँव नीचे से हटाते हैं चेयर अपने आप आगे आ जाती है, तो मुझे क्या है पाँव से पुश करने की नीड रहती है, जब तक मैं पाँव से पुश नहीं करूँगा जब तक लीन नहीं होगी चेयर, रिक्लाइन नहीं होगी, तो अभी पाँव हटा लिया अब आगे आ गई। तो इसके लिए एक फीचर आ जाता है एनी टाइम टिल्ट या फिर एनीवेयर लॉकिंग, उसमें क्या होता है एक लीवर एक्स्ट्रा होता है, ये जैसे ही हम लीवर गिराएंगे अब ये यहाँ पे लॉक हो गई, तो ये क्या होता है एनीवेयर लॉकिंग, ठीक है। अब हटाएंगे तो आगे आएगी, इसे कहीं भी पोजीशन पे 90 डिग्री पे भी लॉक कर सकते हैं, पुश करूंगा नहीं जाएगी पीछे। इसको मैंने लीन किया, अब गिरा दिया, पाँव उठा दिए, इसी पोजीशन पे लॉक हो गई, तो किसी भी पोजीशन पे आप इसको लॉक कर सकते हैं, दैट इज एनीवेयर लॉकिंग। और ये हम अपने उसमें मतलब बॉल के किसी को वो कस्टमाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस चेयर में कस्टमाइज करवा रखा है आपको दिखाने, ठीक है, ये एनीवेयर लॉकिंग लगा रखा है। इसमें क्या होता है इसको मैं दिखा देता हूँ, दो लेवल होते हैं, एक ये हाइड्रोलिक के लिए, हाइड्रोलिक एडजस्टमेंट के लिए, और जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला ये आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है एनीवेयर लॉकिंग के लिए। जैसे ही हम इस लीवर को गिराते हैं हमारी जो है ये लीन लॉक हो जाता है, लीन पोजीशन लॉक हो जाती है, जैसे ऊपर करते हैं फिर अनलॉक हो जाता है, तो ये एनीवेयर लॉकिंग, तो ये फीचर ऐड हो जाता है, ठीक है। अब आपको कोई चेयर पसंद आ रही है, कोई भी हमारी चेयर है, हम इतने रख भी नहीं पाए यहाँ पे, बाकी और भी कोई चेयर है वो पसंद आ रही है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा आपको कैटलॉग का, वो देख सकते हैं, या फिर काफ़ी सारी वीडियोज़ होंगी हमारी हर पर्टिकुलर चेयर के बारे में, पूरी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बता रही है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और चेयर पार्ट के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो वो आप चेयर पार्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू, और अगर ये आपको चाहिए तो इसके लिए आपको लिंक में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी चेयर के रिगार्डिंग इशू है आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, हम इजीली बता देते हैं, इजी मेथड, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।